So hello everyone, my pleasure to be here. So I come from Surat, Gujarat, and मेरे और आपके एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, सब दोनों एक जैसे. विल हैव द सेम काइंड ऑफ, वी हैड द सेम काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपेंड ऑल टुगेदर. आई वॉज इन स्कूल बैक देन एंड द सेम थिंग, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, सोता था, मस्ती करता था. And that's how the school life went for me. And I was involved in more sort of an co-curricular activities back then. आज भी जब मैं देखता हूँ अपनी स्कूल लाइफ में, तो मैंने पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस, पब्लिक स्पीकिंग, मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स में, आज जब मैं देखता हूँ आई हैव 50 to 60 सर्टिफिकेट्स, अप्लॉड्स, मेडल्स, पढ़ाई के वजह से नहीं, बट ऑल ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज वॉट आई डिड इन द स्कूल. मैं अपने टाइम पे ऐसा एक लड़का हुआ करता था जो आप मुझे एक फुक भी मारोगे ना तो मैं उड़ जाऊँगा, ठीक है. ना खाना, ना कुछ देखना, जस्ट एंड जस्ट सिर्फ खेलना. एंड दैट हेल्प मी टू ग्रो फ्रॉम द पार्ट वेयर आई एम इन और अभी जहाँ पे हूँ. तो देयर ऑब्वियसली माई पेरेंट्स मेड मी पॉसिबल टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. आज तक कभी मेरे को पढ़ाई का प्रेशर नहीं था. एंड द सेम थिंग्स आर विथ यू एज वेल आई गेस. और हुआ ये करता था कि स्कूल टाइम्स में एज यूजल पढ़ाई करी 12 साल, है ना. पढ़ाई करनी नहीं होती, बट इट्स जस्ट द वे दैट यू हैव टू डू. एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू द फेस. बस वो देखना होता है कि 12 साल का 13 साल ना हो जाए पढ़ाई में. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. एंड फिर 11th 12th में आया, तो पहले ये हुआ करता था कि दुकान में जाके बोलते थे कि भैया 2 सैंडविच देना. इवेंचुअली इट हैपेंड कि भैया 2 OP टंडन और HC वर्मा दे देना. सो दैट्स हाउ द लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑल द वे फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. 11th 12th टुक अवे ऑल द थिंग्स ऑफ द लाइफ. एज आई टोल्ड मैं बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, मल्टीपल थिंग्स ऑल अराउंड, सब कुछ बंद होकर आई वॉज ओनली एबल टू डू HC वर्मा, OP टंडन एंड ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच हैड टू पॉसिबल. और इवेंचुअली तब तक समझ आ गया था कि यार अपने में वो कीड़ा है कि पढ़ाई नहीं हो सकती. सो उसी टाइम अपन ने सोच लिया था कि IIT तो नहीं करनी, होगी भी नहीं, करनी भी नहीं है, ठीक है. तो ओनली ऑप्शन वॉज दैट कि लेट्स गो फॉर NIT. एंड होपफुली NIT हो गया था, ठीक है. तो एज यू नो के जैसे जैसे नीचे NITs जाती है, वैसे वैसे आपके ब्रांचेस भी नीचे जाते हैं. तो एज ऑप्शन वॉज VIT, है ना. बाय चांस, बाय मिस्टेक, वॉट एवर यू से, आई वॉज देयर इन VIT. एंड उसी तरह आई वॉन्टेड टू बी इन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग बिकॉज आई यूज टू लव ड्रोन्स एंड प्लेन्स मच मोर. बचपन से हमेशा से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हुआ करता था. तो दैट टाइम आई यूज टू गो टू बेंगलोर, चेन्नई, तो वहाँ पे देखने के लिए कि क्या सिस्टम है. एंड ये भी था कि मुझे कॉलेज भी वहाँ पे लेनी है, बट दैट टाइम आई डिडंट गॉट गुड ऑप्शंस फॉर स्पेसिफिकली द एरोस्पेस इंजीनियरिंग. एंड द नियरेस्ट वॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो आई पास्ड आउट इन फ्रॉम VIT इन 2022, एक साल पहले. इसलिए मैं आपको पहले बताया कि मेरे और आप में कोई ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, है ना. देन इट हैपेंड इन द कॉलेज दैट सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, सबको 9 पॉइंटर चाहिए था. मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो रहा फिर से ये चीज़, है ना. मैं अटेंडेंस दे दूँगा, क्लास में पीछे सो जाऊँगा, ठीक है, बट 9 पॉइंटर तो नहीं हो रहा. एंड इन द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट सेम, आई स्टार्टेड विद ऑल द प्लेन्स, ड्रोन्स, UAVs. मैं दूसरे सीनियर से बात करा करता था. आई यूज टू टॉक विद मोस्ट ऑफ द पीपल, द सीनियर्स ऑल अराउंड द कॉलेज, दैट हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर ड्रोन्स एंड UAVs इनटू द स्पेस. एंड करते करते सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस इवेंट्स जो कॉलेजेस में हुआ करते हैं. दूसरी कॉलेजेस में जाता था. सो दैट हैपेंड और इवेंचुअली कोविड हैपेंड, क्रेजी. सो इट वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज आई वॉज लविंग माई कॉलेज लाइफ एनी वेज. आई डिडंट हैड दैट काइंड ऑफ
parties and all together. I'm a teetotaler, okay? So colleges mein usually ek party wala hota hai. There is much more of a place where you just study and do all this parties and stuff. So I was into a place that main party bhi nahi karta tha aur padhta bhi nahi tha. Theek hai. तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो था कि यार कुछ यही टेक्नोलॉजी वाला चीज़ ही कर लेते हैं. तो सुबह 8 से लेके मैं बताया ना, मैं 9 pointer नहीं था. सेम आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग ही होंगे, बाय सॉरी. तो 9 to 9 अपने, 8 to 6 अपने जाते थे कॉलेज, पीछे सोते थे. और रात को 9 से लेके टिल 2 AM इन द मॉर्निंग वी यूज टू वर्क इन द लैब्स, make planes, drones, UAVs. There I served as a board member for multiple teams. I was also the vice president at Community Radio 90.8 FM. There I used to do podcast and everything. तो मैंने ज़िंदगी में ना पढ़ाई के सिवा most of the सब चीज़ें कर ली है. But hopefully मेरे parents ने कभी कुछ बोला नहीं कि पढ़ाई का pressure के वजह से. It was like कि pass होना है, that's the minimum criteria, है ना. बाकी इट्स अप टू यू. एंड इवेंचुअली वॉट हैपन्ड वॉज, बैक इन कोविड शार्क टैंक देखा करते थे, कोविड के बाद शुरू हुआ. और कोविड में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, टिकटॉक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, डांस बना दिया, वो बना दिया, है ना, गेम्स खेल ली. तो वो किया और फिर कोविड में रियलाइज़ हुआ दैट बहुत ज़्यादा टाइम है ना रील्स में हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे करने में हो रहा है. लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव. एक महीने में, 2 महीने में रियलाइज़ हो गया कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो क्या पता ये अभी अपॉर्चुनिटी है जहाँ बहुत फ्री बैठे हैं, क्लास में सोना नहीं है, घर पे ही सिर्फ सोना है, तो बेटर है कि कुछ करते हैं. एंड दैट टाइम आई फाउंड माई को फाउंडर्स. एंड पता है क्या होता है, पढ़ाई करने के सिवाय बहुत कुछ करते हो ना, तो आप एक नेटवर्क बना लेते हो आपके फ्रेंड्स के अलॉन्ग. यू गेट टू नो हु इज़ बेटर इन वॉट. आज अगर मुझे कोई स्टार्टअप भी करना है या मुझे कुछ फोटोग्राफी के रिलेटेड भी कुछ करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, आई नो हु इज़ द बेस्ट पर्सन ऑल अराउंड. मैं रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूँगा, दैट हैज़ टू बी हैपन. पढ़ाई करनी है, एवरी वन हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. बट ये नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी है. एंड दैट वॉज माई क्लियर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू. और that time I found my co-founders, Devant and Oshi. She is India's first FV woman pilot, and Devant has been done multiple projects by Bangalore Rupert ONGC. तो वो CTO है company का. तो they are not present here, but I'm glad that we started with a team of 3 people right now. और back then in 2020 तो हमेशा सोचा करता था कि यार कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे. आज अब भी मैं अब किसी को आपको पूछूंगा कि क्या करना है कॉलेज से निकल के, तो आपका एक मिनिमम होगा यार एक सुपर ड्रीम ले लेंगे, लाइफ बढ़िया सेट, बैंगलोर में मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, है ना. बट फॉर मी इट वाज समथिंग कि सोचना है तो कुछ बड़ा ही सोचेंगे. क्यों ना ऐसा लिख दे कि कल उठ के इनसाइड FPV ग्लोबल ड्रोन ब्रांड बनेगी, एक $10 billion की कंपनी बनेगी. सोचने में क्या जाता है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, सोते सोते ही सोचना है, क्लास में सोते सोते सोच लो. सो दैट्स हाउ हैपन्ड. एंड आवर फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी, कुछ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल इट वर्कड. एंड देन इनसाइड FPV फाउंड. और अब शार्क टैंक इंडिया पे बात करते हैं, जो आप लोग मुझे जिसकी वजह से जानते हो मोर देन इनसाइड FPV. तो इनसाइड FPV जब स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था कि हम शार्क टैंक पे जाएंगे, लेकिन ये था कि कुछ बड़ी कंपनी करनी है, कुछ ड्रोन इंडस्ट्री में हैव टू डू समथिंग बिग विच मेक्स द पीपल लाइफ ईजी एंड क्रिएट्स अ इम्पैक्ट ओवर टू द वर्ल्ड, है ना. पैसा कमाना वॉज अ सेकेंडरी, बट इट वॉज समथिंग दैट वी नीड टू क्रिएट सम इम्पैक्ट. एंड दैट टाइम शार्क टैंक वॉज पॉपुलर शो, लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ शार्क टैंक आई सॉ बिकॉज आई यूज टू नो दैट US में होता है ये, अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो वाई नॉट लेट सी इंडिया में क्या है. तो इसी तरह शार्क टैंक स्टार्ट हुआ. और तब हम अपने घर पर बैठ के देखा करते थे, ऑफिस में बैठ के देखा करते थे कि यार हम भी जाएंगे इधर, देखते कैसे जाते हैं. तो है ना, मेरे को फॉर्म्स मिले, season 2 का आया स्टार्ट. तो वी वर लाइक फॉर्म भरते कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो. इतना
ऐसा था कि शार्क टैंक में तो नहीं होने वाला है, और देवान जो मेरा को फाउंडर है उसने जब 3 दिन बचे थे ना फॉर्म के, तब उसने खोला, बोला यार देख यार 20 पेज का फॉर्म है, कौन भरेगा? मैंने बोला यार 20 पेज का है ना, एक इंटर्न को बुलाते वो भरेगा बैठ के पूरा। मैंने बोला यार वो करेंगे तो हो सकता है सही से नहीं करेगा। मैंने बोला कि देख यार मेरा अभी 2-3 चीज़ें साथ में चल रही है, तू फॉर्म भर दे। देवान ने फॉर्म भर दिया, पूरा फॉर्म भर दिया एकदम बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से, है ना। उसने एक दिन पूरा लगा कर एकदम 20 पेज का फॉर्म भरा, वो 500 चीज़ें मांगते हैं, वैसा फॉर्म भरा। और फिर वो चला गया कहीं घूमने, है ना, काम से कहीं चला गया सिटी छोड़ के। अब मैं ना उसको पूछ रहा हूँ, यार भाई तेरे नंबर पे OTP आ रहा होगा, देना ना। फॉर्म खोला, पूरा फॉर्म गायब। हमने मेल किया शार्क टैंक को कि हमने इतना 20 पेज का फॉर्म भरा था और अब एक ही दिन बचा, अब कुछ करो। उन्होंने बोला हमने ना थोड़ी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी बिकॉज देर वॉज सम प्रॉब्लम इन द फॉर्म। तो हमने वापस से पूरा बैठ के एक फॉर्म भरा, एंड देट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च। हमने फॉर्म भरा, सबमिट हो गया, एंड उसके बाद इट वॉज समथिंग दैट हम हमारे काम में चले गए। देर वॉज नथिंग टू फॉलो अप ऑन द शार्क टैंक, मेल आता है नहीं आता देखेंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि हमको बुला देंगे, है ना। क्यों होगी, जब कंपनी स्टार्ट हुए 2 साल हुआ है, वी हैड दिस कि हमको जाना है, बट ये नहीं था कि हमको बुला ही देंगे। फिर वी गॉट अ मेल कन्फर्मेशन कि यार एक और फॉर्म है 30 पेज का, वो भरो। मैं बोला यार ये तो फॉर्म एक तो भर नहीं सक रहे, उसमें आप और एक पेज फॉर्म दे रहे हो, उसमें तो उन्होंने और 10 चीज़ें मांगी थी जो हमें प्रिपेयर करनी थी। हमने फिल आउट कर दिया 30 पेज का फॉर्म भी, जैसे तैसे कर दिया, हो गया, है ना। अब उसके बाद एक स्टेप होता है जहाँ दे कॉल्ड अस फॉर अ बैंगलोर, एंड जिस 4 सिटीज़ होती है उसमें आपको जाना होता है टू गिव अ लाइव ऑडिशन देयर। एंड हम को वापस एक फॉर्म आया कि इसके लिए भर दो। मैंने बोला ये कितने पेज का है, खोल के देखा, बिकॉज हमेशा से ये डायलेमा था कि पेजेस बढ़ते ही जा रहे, आगे जाके 50-60 ना हो जाए, है ना। तो देखा वो लकीली एक ही पेज का फॉर्म था कि कौन सी डेट का आ रहे हो। मैंने बोला क्रेजी, अब ये तो मैं ही भरूंगा। तो दैट्स हाउ द फॉर्म हुआ। और व्हेन वी वेंट टू बैंगलोर, उस टाइम हमें एक श्योरिटी आ गई थी माइंड में कि द वे द ऑडिशन वेंट वी माइट बी देयर इन बॉम्बे। तो एक वो मीम है, आपको याद होगा, बॉम्बे आ जाना वाला, होप्स आपने देखा या नहीं, वो बोलता है नहीं मुझे कहाँ बुलाया, मेरे को बॉम्बे नहीं आना है, इंडियन आइडल वाला मीम है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम वो चल रहा था कि अब ये एक आएगा मेल कि बॉम्बे आ जाना। एंड इवेंचुअली 10 दिन के बाद, बैंगलोर के बाद, ये मेल आ गया कि बॉम्बे आ जाना, ये लोकेशन है, ये जगह है, यहाँ से हमारी टीम पिकअप करेगी, ठीक है। हमने बोला क्रेजी, वाओ। बॉम्बे के लिए हमने सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, वी गॉट अ कॉल उनके टीम से, एंड देन वी हैड दिस थिंग स्टार्टेड। सो ये मार्च से लेके अगस्त तक हो गया, लाइक ऑलमोस्ट इट टुक दिस 2 फॉर्म भरने में, उनको इवेल्यूएट करने में, लाखों एंट्री को इवेल्यूएट करने में 5 महीने लग गए। इट वॉज बैक इन अगस्त जब हम बॉम्बे गए, एंड देर 2 दिन का प्रिपरेशन होता है। हम रात को 8 से लेकर 11 बजे तक हम प्रैक्टिसिंग करते थे, स्क्रिप्टिंग करते थे, पिचिंग करते थे, प्रोडक्ट डेमो करते थे। तो वो करते करते ऑलमोस्ट 11-12 बज जाते थे, एंड वी यूज टू कम बैक। अब द डे व्हेन वी सॉ कि यार अब तो कुछ होने वाला है हमारे साथ, एंड इट्स ऑल वन टाइम, ठीक है। शार्क टैंक जो एक स्क्रिप्टिंग या वैसा कुछ भी नहीं होता है, यू एंटर देयर, यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, इफ दे लाइक दे अप्रिशिएट यू, इफ दे डोंट लाइक यू देन यू नो व्हाट हैपेंस। तो होपफुली दे लाइक्ड अस। और है ना, जाने के टाइम इट वॉज समथिंग दैट ओ इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम टू सी ऑल द 5 shark सिटिंग सीइंग योर प्रोडक्ट। तो हमने ऐसे 3 लोग ने एंटर किया, यू माइट हैव सीन द एंट्री। तो उस टाइम दिमाग में चल रहा था कि यार इन लोग मारने वाले तो लग रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे ऐसे करके, लगने वाली है अब तो। एंड दैट पिच गोज फॉर लाइक 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स अराउंड, और लास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें कट आउट हो जाती है, बट आवर थिंग्स वेंट वेरी क्रिस्पी क्लियर। हमारे में ज़्यादा हमें वी
tried not to create a masala over to the things. Okay, हमें था कि एक बार बस पहुँचना है, मसाला नहीं क्रिएट करना है, इट्स ओके. ठीक है, दो पब्लिसिटी कम मिलेगी बट चलेगा. तो देर पांच शार्क्स बैठे, दो घंटे तक हमारा ग्रिल चल रहा है, बहुत सारा ग्रिल करते जो बताते नहीं है टीवी पे, तो दो तीन चीज़ ही बताई गई है जैसी अच्छी अच्छी चीज़ होती है. और हमें तो बहुत ही क्लीन रखा था शार्क टैंक के स्टेज पे, तो पता नहीं उन लोग ने इतनी अच्छी एडिटिंग क्यों करी हमारे लिए. बाकी हमारे में मसाला तो बहुत था एंड होप अच्छा है कि नहीं बताया. तो ऐसे बैठे थे और देन दे आस्क्ड अस द क्वेश्चंस एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट द थिंग्स हमने वहाँ पे जाके जो बोली एंड उसके वजह से ही आज जहाँ पे यहाँ मैं खड़ा हूँ. यू नो मोर देन शार्क टैंक इट वॉज टेड विच वॉज माई ड्रीम. बचपन से देखा करता था कि अब बड़े लोग आके बोलते हैं कुछ ऐसी ज्ञान की बातें करते, तो मैंने बोला मेरे पास आज ज्ञान की बातें करने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं ज्ञान ज़्यादा देता भी नहीं हूँ मेरे कंपनी में और मैं ना ही आपको दूंगा. लेकिन इट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर द जर्नी. स्टार्टेड विद अ टीम ऑफ 3, वी आर नाउ अ टीम ऑफ 50 पीपल इन द कंपनी एंड वी आर डेवलपिंग ड्रोन्स फॉर कंज्यूमर एग्रीकल्चर एंड डिफेंस. अभी रिसेंटली अवर ड्रोन्स गॉट प्रोक्योर्ड बाई इंडियन आर्मी एज वेल. इट वॉज ऑल अ ड्रीम फॉर अस के इंडियन आर्मी ने हमारे ड्रोन्स एक्सेप्ट किए, बिकॉज मैं देश के लिए तो ऐसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वाई नॉट सपोर्ट अ कंट्री बाई गिविंग अ प्रोडक्ट विच हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल एंड क्रिएट्स अ इम्पैक्ट इन टू द वर्ल्ड. तो एज आई टोल्ड दैट शार्क टैंक वॉज नेवर अ ड्रीम, बट येस टेडएक्स वॉज माई ड्रीम. बचपन से देखा करता था कि यार बड़े लोग जाके बोलते हैं, क्या पता कभी एक बार मेरा भी मौका आ जाए कि मैं बोल दूँ. एंड इट हैपन टूडे. आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर, आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर. एंड आप लोग को देख कर मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है कि क्या पता इसमें से कुछ एक दो स्टार्टअप और क्रेजी से निकल जाए. सो माई ओनली एंड ओनली टू थिंग्स, बड़ा सोचो, सोते सोते सोचो लेकिन बड़ा सोचो, है ना. ये सोचो कि आज मैं यूनिलीवर में जाके वहाँ का 100 करोड़ का पैकेज ले लूँगा अगले 10 साल में. कीप अप अ डेडलाइन, बी कंसिस्टेंट एट वॉट यू आर डूइंग एंड मेक श्योर दैट वेन एवर यू फॉल देर इज समवन और दी अदर हु विल हेल्प यू टू गेट यू पिक्ड अप. तो वो चीज़ों के साथ जाओ और एज आई टोल्ड, मेक श्योर यू आर चिल ऑन टू ऑल योर थिंग्स. Be calm, be cool, and be consistent. Thank you for having me. It was great.